तो ये जो आज की वीडियो है ये हमारी ड्रम ब्रेक पे, तो ड्रम ब्रेक में से आवाज़ आती है जो चूँ चूँ की आवाज़ आती है, और जो ब्रेक वगैरह अगर घिस गए हों तो आप कैसे चेक करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी ड्रम ब्रेक है, कंपनी आपको बहुत बार लोचा करती है, वो आपको कैसे पता करना है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है तो आप लोगों को भी बता देता हूँ, कंपनी बहुत बार फ्रॉड करती है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी आपके साथ फ्रॉड ना कर सके, कि अगर उसने शू डाला है तो आपको कैसे पता लगे, मेरे साथ हो चुका है। ये जो टाली मोड़ पे रिलायंस मोटर्स है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेरे से पूरी पेमेंट ले ली शू की। और ये शू का कैसे पता लगता है, ये जो नट होता है जब आप नया शू डालोगे ना, ब्रेक शू जब नया डालता है तो ये नट बिल्कुल एंड में आ जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप बाइक की सर्विस वगैरह कह रहे हो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नहीं पता हो तो वो उन्होंने मेरा ब्रेक शू जैसा था मुझे उस टाइम पता नहीं था, तो उन्होंने मेरे से 700 रुपीज़ ले लिए और उन्होंने मेरा ब्रेक शू चेंज नहीं किया था। मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी ये जो रॉड है ये यहाँ की यहीं थी, उन्होंने सिर्फ ब्रेक टाइट की थी। तो ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, कैसे पता लगे आपको। तो उसके बाद जो अब खोलने का प्रोसीजर है, उसके लिए आपको चाहिए गोटी रॉड या आपके पास कोई भी ओरिंग वाली चाबी हो। आगे चाहिए 24 नंबर और 32 नंबर के दो नट हैं, पहले इनको खोलना है, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी खोलता हूँ, ये थोड़ा सा ढीला मैंने पहले ही कर दिया था ये वाला नट, तो इसको तो मैंने आसानी से खोल दिया। और अगर आप टूल्स लेने जा रहे हो तो प्लीज़ टपारिया के टूल्स लेना, इनका कम से कम स्लिप होने का डर नहीं होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल होते हैं। और ये है मेरे हिसाब से 32 नंबर की चाबी। तो जो नट का प्रोसीजर होता है, कोई भी नट हो उसको हम क्लॉकवाइज टाइट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वो खुलता है, ये याद रखना जब आप नया नया करो, क्योंकि लोग बड़ी बार उल्टा सीधा घुमाते हैं, मैंने तो बहुत बार घुमाया हुआ है। अब ये रहा 32 नंबर का नट है, जो ये 32 नंबर की गोटी रॉड की गोटी है, तो 32 नंबर से हम इसको, मेरी ब्रेक टाइट करने वाली वीडियो भी ऊपर आपको जो लिंक होता है उसमें मिल जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक डाल दूंगा कि अगर आपने खाली ब्रेक टाइट कर रही हो तो आपको ये खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको खाली लूज़ करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको करनी है अपनी ब्रेक का ये वाला नट लूज़, कि आपको कुछ अपना भूले, इसलिए आराम से बता रहा हूँ। ये निकाल ली, जैसे ये लगता है ऐसे, भूलने का कुछ नहीं है इसमें, ये सिंपल यहाँ पे लग के ब्रेक लगती है, ये आपने खोल दिया, बस ये रॉड नीचे गिर गई, सिंपल। तो बस हमने तीन नट खोलने हैं, ये दो, ये और ये वाला। ये है 19 नंबर की, हमारे यहाँ इसको चाबी बोलते हैं, तो ये रहा लास्ट 19 नंबर का नट है ये, ठीक है। इसको खोलने के लिए मैंने जितनी बार भी इसको खोला है तो मैंने हर बार अपने आप को कहीं ना कहीं लगाई हुई है, तो आप ऐसा ना करें। इसके लिए क्या करें, आप इसको यहाँ पे चाबी फंसाओ, सिंपल सा प्रोसीजर बताता हूँ आपको। यहाँ पे चाबी आपने फंसा दी, उसके बाद अपने पैर से सिंपल ऐसे करके ज़ोर लगाओ, ये सिंपल खुल जाएगा। अगर आप हाथ से ज़ोर लगाओगे आपको हर बार, मेरे को तो हर बार लगती है, और अब ये सिंपल ढीला हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही करना, क्योंकि मेरे को तो हर बार लगती है, इसलिए आपको बता दिया मैंने। और ये खुल चुके हैं सारे नट, ये इसकी वॉशर, ठीक। ये सारे नट्स आप संभाल के रखें कि आपको प्रॉब्लम ना हो लास्ट में, इस वजह से नट पहले ही संभाल के रखें। तो अब मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट, ये जो चेन के नंबर्स होते हैं, ये टीथ आपने ध्यान से, या तो आपको अगर पहली बार खोल रहे हो तो इसको मार्क कर लो नेल पेंट से, या किसी भी चीज़ से मार्क कर लो, नेल पेंट से या किसी भी चीज़ से आप मार्क कर सकते हो, क्यों, आपको एंड में आसानी हो जाए। अगर आपके टीथ का उस साइड का और इस साइड के नंबर में थोड़ा सा भी फ़र्क आए तो उससे क्या होता है कि आपकी चेन आराम से टूटने का, और या आपकी चेन के लॉक आराम से टूट सकते हैं, तो ऐसा ना हो उसके लिए आप लोगों को ये जितने भी नंबर पे है अभी, जैसे 15, 16, 17, 18, ये 19 नंबर पे है, उस साइड पे भी सेम होनी चाहिए। तो ये रॉयल इनफील्ड का ये फ्रेम है, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है। इसको खोलने के लिए क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ लेनी है जो आराम से इसके अंदर घुस जाए, नुकीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने रॉड को पुश करना है, तो इससे आप जब आप यहाँ से पुश करोगे तो दूसरी साइड आपके साथ, तो फाइनली थोड़ा सा पुश करने के बाद उसको ये ऐसे बाहर आ जाएगी, और आपने टायर को ऐसे करके उठाना है। बस अब चीज़ें देख लो, जो जैसी जैसी लगती है वैसे ही लगाना, ये इसके आगे ऐसे फ्रंट में लगता है अंदर घुस के, ठीक है, ये ध्यान रखना, जब एंड में लगाऊंगा आपको बता दूंगा। तो अब हम निकाल लेते हैं टायर बाहर, तो आ गया टायर हमारा बाहर, तो बाइक थोड़ी रेडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तो ये आ गया हमारा टायर बाहर ईजीली, चलो। तो ये ऐसे करके सिंपली बाहर आ गया, इसके लिए इसका हम
मुंह खोलेंगे और ये रहे हमारे शू। शू तो अभी काफ़ी पड़े हैं, सैंड पेपर से अब हम इसको साफ़ करेंगे। और बस इतना सी प्रोसीजर है। और जो बरसात में जो आवाज़ आती है वो इसकी वजह से भी आ सकती है कि जो आपकी स्प्रिंग है ना, इसको थोड़ी सी ग्रीस होनी चाहिए, क्योंकि जब ये जब ब्रेक लगती है तो ये ऐसे करके खुलती हैं, ऐसे करके, तो इसकी वजह से भी आवाज़ आती है। तो इसको भी अगर ऑयल वगैरह आप दोगे तो ऑयल नहीं, आपको ग्रीस ही देनी चाहिए कि ऑयल आपके शू पर लगेगी तो फिर साफ़ होने में टाइम लगता है। तो अब आपको खोलने का प्रोसीजर है सिंपल, आपको लगे ना उसके लिए आपने एक साइड से पुश करना है और ये स्प्रिंग हो गए ढीले और सिंपल बाहर। तो यही है मेन आज हमारा मेन विक्टिम, जिसको हमने साफ़ करके बिल्कुल अच्छे से वापस लगाना है, ठीक है। तो अब आपको साफ़ करते हुए मिलते हैं। तो ये रहा सैंड पेपर, इससे आपने इसको अच्छे से, ये हम इसलिए करते हैं कि ये जो उसके ऊपर कार्बन जम जाता है, ये ब्लैक हो जाता है, तो थोड़ी सी फ्रिक्शन के लिए इसको हम साफ़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, आपने दोनों को सेम करना। स्प्रिंग का मेन इशू आता है जो आवाज़ें करता है ना, ज़्यादातर स्प्रिंग की वजह से भी आवाज़ होती है, क्योंकि ये इसको पानी वगैरह लग जाए बरसात में तो कुछ भी लग जाए, इसमें से आवाज़ें आती हैं। तो मेन आपने इसको भी ग्रीसिंग करनी है दोनों स्प्रिंग को, ठीक है। तो शू खोलने के बाद आसानी से कैसे लगाएं, मुश्किल होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले दोनों सेम तरीके से स्प्रिंग सेम डायरेक्शन में लगाएं, जैसे मैंने किया, नीचे वाले दोनों मुँह हुक के, ये होगी दोनों, इसको ऐसा करके रखें। ये स्प्रिंग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खोल लें, क्योंकि आप इसकी डायरेक्शन आपको सीधी चाहिए, ऐसे सीधी डायरेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो गोल वाला हिस्सा है ये इस पर सेट होगा और ये जो सीधा वाला हिस्सा है वो इस पर लगेगा। लगाने के लिए आपने एक साइड थोड़ा सा स्प्रिंग टाइट रखने हैं पुश करके, और ये हमारे स्प्रिंग हो गए हैं सेट, ठीक है। और ये ड्रम ब्रेक लगती कैसे है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये है इसका प्रोसीजर लगने का, सिर्फ ये वाले हिस्से से पूरी ब्रेक लगती है ये, और ये कभी जाम भी हो सकता है ड्रम ब्रेक में। तो अब फिटिंग करते हैं वापस। इसमें से कार्बन वाला हमने साफ़ कर लिया हुआ, अब नॉइस का कोई चक्कर नहीं है। तो अभी चेन हमने वापस लगाने के लिए, चेन आते हैं ऐसे करके सिंपल वापस। इसमें ये शेप दी हुई है नुकीली जैसी, थोड़ा सा बेंड है ये, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से बैंड है, यहाँ से ही अंदर जाएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद टायर वाला एक नट लगा लो कि वापस ना नीचे गिरे। तो अभी टायर लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो एंड में 2 बंदों वाला काम है, जैसे आप रॉड फिक्स कर लो उसके बाद आपको ऐसे ही थोड़ा सा झटका मार मार के। तो मैक्सिमम टाइम लोग भूल जाते हैं ये वाला नट ज़रूर टाइट करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये पूरा का पूरा हिलेगा सिस्टम। ये वाला नट पूरा याद से टाइट कर लेना। तो ऐट लास्ट ये रहे केशव शर्मा, क्योंकि अब ये कर रहे हैं ये टाइट, देखिए। सर आप उल्टा नट लगा रहे हो, प्लीज़ सीधा करो। लास्ट में बिना इक्विपमेंट के सिर्फ हाथ से टाइट कर रहे हैं ब्रेक।